झांसी के लहचूरा थाना अंतर्गत खरका माफ निवासी पिंकी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर को आवेदन देते हुए बताया कि उसके साथ उसका ही ससुर पिछले कई महीनों से बुरी नियत से डोरे डाल रहा था, लेकिन जब उसकी बहू उसकी गिरफ्त में नहीं आई तो उसने पिछले दिन जब ससुर को खाना देने गई तो उसने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उसे जमीन पर पटक दिया। जब उसने विरोध किया और चिल्लाई तो उसका दूसरा लड़का पीड़िता का देवर मौके पर जा पहुंचा, जिस पर वह आग बबूला हो गया और दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता ने थाना लहचूरा पुलिस को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन पुलिस ने उल्टा पीड़िता को ही धमकाकर थाने से भगा दिया। पीड़िता न्याय के लिए पुलिस क्षेत्र अधिकारी मऊरानीपुर के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन ना कार्यवाही हुई और ना ही उसे न्याय मिला। पुलिस ने पीड़िता को थाने बुलाया और थाने पर उसका ससुर पहले से ही बैठा था। पुलिस ने पीड़िता पर राजीनामे का दबाव बनाते हुए उसके साथ अभद्रता कर दी और उसे थाने के अंदर बंद कर लिया। जब इसकी जानकारी उसके देवर ने मीडिया में दी तो मौके पर पहुंचे मीडिया को देख पुलिस ने पीड़िता को छोड़ दिया और जाते जाते पीड़िता से कहा कि राजीनामा कर लेना, नहीं तो तुमको भी जेल भेज देंगे। अब देखते हैं कि पीड़िता को न्याय मिलता है या पुलिस इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाती है। झांसी से अमित राजपूत कहां की हैं? क्या मामला है? मतलब 11 तारीख को पापा को खाना देने गए तो पापा ने मतलब हमारा पहले हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद फिर हमने कहा कि सब गलत है, तो बोलने लगे कि मतलब तुम अगर हमारे तरीके से चलो तो गलत के छू नहीं है, सब सही है, हम तुम्हें हर चीज को सहारा देंगे अगर तुम इस मामले में चलो। फिर हमने कहा हम इस मामले में नहीं चल सकते, तो इनने हमें मतलब कि मतलब कसके से दबोच लिया। फिर हमने आवाज लगाई तो मतलब हमारे देवर हैं वो दौड़ के आए, दौड़ने के बाद वो आए तो फिर हमसे और हमारे देवर से बोलने लगे कि अगर तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो हम दोनों को जान से मरवा देंगे। कौन है वो? वो हमारे ससुर हैं। हाँ, हमारे ससुर ने धमकी दी। क्या नाम है उनका? अमर प्रसाद। तो आपने कौन सा थाना है आपका? तो आपने लहचूरा थाने में शिकायत की? हमने शिकायत की है। तो वहाँ पे जो पुलिस थाने की पुलिस वाले आए थे? हाँ, आए थे, ले उनको ले भी गए। कब? अभी मतलब कल ले गए। कल? हाँ। तो और गांव का कोई व्यक्ति? हाँ, क्या उनका सपोर्ट कर रहा है? गांव का अंकल सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रधान जी हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम हमारी फांसी करवा देना, अगर तुमने मतलब फैसला नहीं किया, समझौता नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, घर में नहीं रहने देंगे।